और थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है वे टू प्रिवेंट द ड्राई स्किन एंड इचिंग एंड बेबीज, अगर बेबी का स्किन ड्राई है तो कुछ हमको ऐसा लोशन यूज करें जिससे कि वो हाइड्रेशन बना रहे, स्किन ड्राई होने पे इचिंग होने लगेगा और इचिंग होने पे वही होगा स्किन ब्रीच हो जाएगी, वहां से इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा और फिर उसको मैनेज करने में दिक्कत होती है। तो स्किन को हमको किसी तरह से हाइड्रेट करना है, ज्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा हार्श शैम्पू या सोप ना यूज करें जिससे कि स्किन और ड्राई हो। इसमें जैसे कि हम जो भी स्किन प्रोडक्ट जो भी यूज कर रहे हैं उसमें एक तो पीएच, मैंने पहले भी बताया पीएच का हमको ध्यान रखना है, और कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट यूज हमको नहीं करना है। जो भी हम पाउडर यूज कर रहे हैं पाउडर की पार्टिकल का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जैसे कुछ जो पाउडर आते हैं प्रिकली हीट वाले जो पाउडर होते हैं उनके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, तो उस तरह की चीजें हम न यूज करें कि वो स्किन के पोर्स को बंद कर दे और बेबी का जो है स्किन के उसके थ्रू जो एरेशन होता है, जो भी बॉडी का एरेशन होता है स्किन के थ्रू होता है, तो उस पोर से जो भी हमारा स्वेटिंग हो रही है वो सब चीजें बंद ना हो, ब्लॉक ना हो, इससे और स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इग्जिमा इन बेबी एंड कॉजेज ऑफ इग्जिमा इन बेबी। इग्जिमा बेसिकली कोई डिजीज नहीं है, कंडीशन है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बेबी का स्किन ड्राई हो जाएगा और ड्राई जब भी होगा तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को, स्किन का एक नॉर्मल जो होता है कि स्किन मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट रहेगी तो कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस पर नहीं होगा, और कोई भी चीज मॉइस्ट होगी स्किन ब्रीच होगी और सेकेंडरी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इग्जिमा को रोकने के लिए हमको यही है कि हमको मॉइस्चर या इस तरह की चीजें हमको यूज करना पड़ेगा। इग्जिमा का मेन जो सिम्टम होता है इचिंग होती है। इग्जिमा का होने का कारण कई होते हैं, कई इसके वेरिएंट्स होते हैं, इसमें एटॉपिक भी होता है, एटॉपिक मीन्स बाय बर्थ हम लोग जिसको बोलते हैं, या जेनेटिक भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, अगर फैमिली में किसी को है तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस हम लोग सोच सकते हैं, एटॉपिक इग्जिमा हम लोग सोच सकते हैं, तो उसमें फैमिली के हिसाब से उस हिसाब से वो ट्रीट करते हैं। बाकी हमको देखना पड़ेगा कि बेबी के स्किन को क्या इरिटेट कर रहा है, क्या एलर्जन है आसपास में। इसमें एनिमल्स के भी फर से होता है, कोई कोई इस तरह का कोई सोप या पाउडर तो नहीं यूज किया जा रहा है, और कुछ काउ मिल्क एलर्जी से भी होता है, एक्जिमा होता है। तो इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बेसिकली एलर्जी का होने का रीजन क्या है, और फिर उस जो भी हमको एलर्जी होने का रीजन पता चलता है उसको हमको फिर रिमूव करना।